हेलो दोस्तों, तो बिहार बोर्ड के जो भी 2021 के 10th और 12th में एग्ज़ाम दिए हैं और जिनका नंबर कम था, जो अपने स्क्रूटनी के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे और कंपार्टमेंटल के लिए अप्लाई किए थे, तो जो बात चल रही है कंपार्टमेंटल की परीक्षा को रद्द करके नंबर बढ़ाने की जो बात चल रही है, उसमें इसमें बहुत सारे लड़कों को फ़ायदा भी होने जा रहा है और बहुत सारे लड़कों को घाटे भी होने जा रहा है। इसमें बहुत सारे बच्चों का नंबर नहीं बढ़ाया जाएगा। अब किन किन बच्चों का नंबर नहीं बढ़ेगा, जिस जो कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरे हैं और उन बहुत सारे बच्चे का क्या नंबर नहीं बढ़ाया जाएगा, किन किन बच्चों का नंबर नहीं बढ़ाया जाएगा, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा किन किन का नंबर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बिहार बोर्ड से संबंधित हर अपडेट को सही और सटीक तरीके से आप लोगों को बताया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं, कोई भी अपडेट आए तो आपको इस चैनल के माध्यम से, आपको वीडियो के माध्यम से आपको मिल सके। देखिए क्या हुआ है कि बिहार बोर्ड के जो कंपार्टमेंटल का जो एग्ज़ाम है उनको रद्द करके नंबर बढ़ाने की जो बात चल रही है, उनमें किनका किनका नंबर बढ़ेगा और किनका किनका नंबर नहीं बढ़ेगा, वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए जो इंटर की बात पहले मैं कर रहा हूँ, उसके बाद से मैं टेंथ का बात करूँगा। ठीक है, तो इंटर का जो है तो बहुत सारे बच्चों का स्क्रूटनी की बात कर रहा हूँ। पहले स्क्रूटनी का नंबर आ गया है बहुत सारे बच्चे का, और इसमें कंपार्टमेंटल का जो एग्ज़ाम है जो रद्द करके नंबर बढ़ाने की जो बात कही जा रही है, इंटर वाले की मैं बात बोल रहा हूँ, तो उसमें बहुत सारे बच्चे यह बोल रहे हैं कि सर स्क्रूटनी में मेरा नंबर नहीं बढ़ा है, तो क्या कंपार्टमेंटल का जो रद्द कर रहा है उसमें नंबर बढ़ाएगा सबको, तो क्या हम लोगों का भी उसमें नंबर बढ़ेगा? तो एक बात पहले जान जाइए, जो स्क्रूटनी का फॉर्म भरे हैं उनका नंबर नहीं बढ़ाया जाएगा, जो उनका होने वाला था उनका हो गया। इंटर की मैं बात बोल रहा हूँ, इंटर के लिए। ठीक है, जो इंटर वाले का स्क्रूटनी का जो फॉर्म भरे हैं उनका तो रिजल्ट दे दिया गया है। ठीक है, अब रही कंपार्टमेंटल के बात, तो कंपार्टमेंटल का जो फॉर्म भरे हैं उन्हीं का नंबर बढ़ाया जाएगा, ना कि आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि मेरा भी नंबर बढ़ जाएगा, एग्ज़ाम रद्द होगा, तो ऐसी बात नहीं है। कमेंट में बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे हैं कि सर मेरा भी नंबर बढ़ेगा कि नहीं, मेरा इतना नंबर कम है। तो जो फॉर्म डाले हैं उन्हीं का नंबर बढ़ने जा रहा है, ये पहले बिल्कुल आप लोग समझ जाइएगा। अब टेंथ वाले की मैं बात बोल रहा हूँ, तो टेंथ वाले का ना तो स्क्रूटनी का दिया गया है, ना तो कंपार्टमेंटल का दिया गया है। तो इसमें देखिए क्या हो गया होगा, अगर रद्द होगा आपका टेंथ का स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल दोनों का ही नंबर उसी रेशियो में बढ़ाया जाएगा, और दोनों को बढ़ा करके अच्छे नंबर करके उनको पास किया जाएगा। टेंथ वाले की बात बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टेंथ का ना तो स्क्रूटनी का आया अभी तक कुछ, ना तो अभी आपका कंपार्टमेंटल का तो अभी एग्जाम में नहीं हुआ। तो यहाँ बात चल रही है बिहार बोर्ड की कि जैसे सीबीएसई बोर्ड ने आज सीबीएसई बोर्ड का आप लोग जानते ही हैं, मैं वीडियो बनाकर डाला ही हूँ कि सीबीएसई बोर्ड का जो आपका एग्ज़ाम टेंथ और ट्वेल्थ दोनों का ही रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, वैसे ही बिहार बोर्ड ने ही भी कंपार्टमेंटल के एग्ज़ाम को रद्द करने पर यहाँ पे काम कर रहा है। कमेंट में बताइए कि क्या बिहार बोर्ड का भी जो कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम मतलब कि अभी नहीं हुआ है, इस पर कोई भी निर्णय नहीं आया है कि या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अभी इस पर बात चल रही है, इस पर बहुत जल्द फैसला आने वाला है। तो एग्ज़ाम ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आपके हिसाब किताब से? हमारे हिसाब किताब से तो एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, इसको देखते हुए जब सीबीएसई ने कैंसिल कर दिया तो बिहार बोर्ड को भी कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि अन्य राज्य भी, अन्य स्टेट भी अपना सभी एग्ज़ाम धीरे धीरे यहाँ पर कैंसिल कर, बहुत जल्द निर्णय लेगा कि आपका रिजल्ट को, एग्ज़ाम को कैंसिल करके आपको रिजल्ट किस तरह की आपका बढ़ेगा, कितना नंबर बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ये सब को यहाँ पे अपना जारी करेगा, बताएगा कितना नंबर आपको बढ़ेगा। ठीक है, और आपको बढ़ा करके आपके जो भी कंपार्टमेंटल का जो फॉर्म फिलअप किए हैं उनका नंबर बढ़ा करके दिया जाएगा। अब रही बात कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कितना नंबर बढ़ेगा, तो कितना नंबर बढ़ेगा ये तो बात आपका रिजल्ट जब कैंसिल होगा, आपके एग्ज़ाम कैंसिल तो अभी हुआ नहीं है, ऑफिशियल रूप से इस पर काम चल रहा है, इस पर बात चल रही है, इस पर निर्णय बहुत जल्द ही, इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा यहाँ पर बिहार बोर्ड की ओर से, यहाँ पर मीटिंग भी बहुत जल्द होगा, यहाँ पे बिहार बोर्ड करेगा यहाँ पर आनंद किशोर के साथ में, तो यहाँ पर जैसे ही मीटिंग होगा वैसे ही फैसले आएंगे कि आपके रिजल्ट को, आपके एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है, और वैसे ही आपके नंबर बढ़ा करके जो भी फॉर्म फिलअप किए हैं उनका नंबर बढ़ा करके आपको दिया जाएगा। तो आपके नंबर कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, इस सारे अपडेट जानने के लिए जैसे ही आपके मीटिंग होगा, जैसे ही कैंसिल होगा, इस चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा बिल्कुल सही और सटीक माध्यम से। तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए।